सभी को हेलो। और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रोबोटिक्स सीएनसी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने आप में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक, हालांकि सीएनसी के अंतर्गत ये एक टॉपिक है छोटा सा, लेकिन रोबोटिक्स जो है इस समय ऑटोमेशन की सबसे अच्छी यूनिट मानी जाती है। ठीक ना, रोबोटिक्स के अंतर्गत जो है हम लोग पहले शुरू शुरू में रोबोट की स्टडी जब करते थे, रोबोट, ठीक ना, तो रोबोट की रोबोटिक्स का नाम आता ही आपके दिमाग में पहले रोबोट ही आएगा। ठीक, अब जैसे ही रोबोट आएगा आपके दिमाग में कई चीज़ें होंगी कि सर रोबोट चलता कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे वो कार्य करता है। ठीक ना, तो देखिए सब लोग रोबोट पिक्चर भी देखे हुए हैं, है ना। रोबोट पिक्चर में थोड़ा सा एक चीज़ समझिएगा कि ये है तो हर एक इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि ये इसमें केवल मैकेनिकल होगा, क्या सर इलेक्ट्रिकल होगा, या फिर इसमें क्या कहते हैं कि सिविल होगा। सिविल को छोड़ देते हैं, बाकी सब चीज़ें जितना भी आप देख रहे हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सब मिला करके हम रोबोटिक्स को चलाते हैं। समझ रहे हैं, या रोबोटिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ठीक, तो रोबोटिक्स क्या है आइए थोड़ा समझते हैं। अगर हम बात करें रोबोट की, ठीक, तो रोबोट को बनाने के लिए सबसे पहले एक डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक, एक डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। आप पहले डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आप कोई आदमी का रोबोट बना रहे हैं। ठीक ना, जरूरी, देखिए रोबोट का मतलब ये नहीं केवल मैन, वो चीज़ें जो आप मैन्युअली चीज़ को ले के चले, मतलब चाहे ये कह लें कि इंसानी तकनीक कह लें या फिर कोई और कोई, या फिर भालू की तरह बना लें, ठीक, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ठीक ना, बस ये हो कि वो आपके काम को इस तरह से आसान करें कि लगे कि हाँ जो मानव या फिर जो सजीव चीज़ें कार्य कर रही हैं उसी के तरह हमारा ये भी चीज़ कार्य कर रहा है। ठीक ना, तो वो रोबोटिक्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, डिजाइन हो गया। डिजाइन जब करते हैं, डिजाइन करने के बाद हमें पार्ट्स मेकिंग की आवश्यकता होती है। पार्ट्स मेकिंग, ठीक, जैसे पहले आप डिजाइन किए कि हम एक आदमी बना रहे हैं, ठीक, रोबोट के अंतर्गत, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिजाइनिंग करेंगे, फिर उसके पार्ट्स को बनाएंगे। ठीक, जब पार्ट्स बन जाएगा तो उसको क्या करेंगे, असेंबल, असेंबल बनाएंगे ना। असेंबल करने के बाद दूसरी चीज, डिजाइन और पार्ट्स मेकिंग, एक चीज आता है पार्ट प्रोग्रामिंग। एक चीज क्या आती है, पार्ट प्रोग्रामिंग आती है, यानी कि आप असेंबल करने को, जैसे तैयार हो गया, ठीक, भगवान ने जब इंसान को बनाया तो कुछ लोग कहते हैं कि हाथ पैर बनाने के बाद में उसमें जान डाली। ठीक, इसी तरह से डिजाइन, पार्ट मेकिंग चीजें और असेंबल, यानी कि उन्होंने जब सब चीज बना लिया तो बाद में हमारे अंदर जान डाली। और जान डालने का मतलब क्या, कि उन्होंने कुछ चीज हमारे अंदर फिट किया, पार्ट प्रोग्राम भर दिया। ठीक, और जान तब आएगी जब हमारे अंदर इलेक्ट्रिकल करंट आएगी, यानी पावर जब मिलेगा तब जान आएगी। ठीक, पार्ट प्रोग्राम क्या, पार्ट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, जैसे आप एक रोबोट बना रहे हैं जो आपके किचन से आपके घर तक खाने को पहुंचाएगा, यानी किचन से आपके रूम तक क्या करेगा, खाने को पहुंचाएगा, यही प्रोग्राम आप उसमें फिट किए हैं। ठीक, टाइमली 6 बजे फिट किए, वो वहाँ से एक जगह अगर बैठा हुआ है वहाँ से उठेगा, उठ करके जाएगा, आपके खाने को लेगा और ला करके फिर आपको वो दे देगा। ठीक, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये पार्ट प्रोग्राम उसमें फिट कर दिए और वही चीज़ें वो बार बार करेगा। अब वो चाह आप चाहते हैं कि ये क्या करे, आपकी घड़ी को ला के दे दे, ठीक, या फिर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ दूसरी दिशा में रखी है वहाँ से ला कर दे दे, तो वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो प्रोग्रामिंग उसमें फिट की है वही प्रोग्रामिंग वो केवल कार्य करेगा। ठीक, पार्ट प्रोग्रामिंग करने के बाद फिर उसके बाद आप मोशन वाले डिवाइसेस को लगाते हैं। मोशन कैसे प्राप्त करेंगे, मोशन डिवाइसेस का मतलब क्या है, सेंसर, एक्चुएटर, मतलब आप बैठे हैं, सेंसर, एक्चुएटर, मोटर, सर्वो मोटर आदि जो है। ठीक, देखिए परेशान मत हुई, अभी हम एक एक चीज़ को लिखाते चलेंगे, सभी चीज़ों को, आज केवल इंट्रो है और आज केवल आपको समझना है। ठीक, क्या कितना इंटरेस्टिंग है ये भी जानना है आपको, और 5 से 10 नंबर का सवाल बनना है। ठीक, तो कोई भी लोग हल्के में मत लीजिएगा। ठीक ना, ये अभी क्या कहते हैं कि आप देख ही रहे हैं कि हम लोग पहले कितना
केवल ऑटोमेशन पढ़ते थे। अब ऑटोमेशन हट के सीएनसी आ गया, हो सकता है कुछ दिन बाद रोबोटिक्स का आधा से ज़्यादा पार्ट्स आपको पढ़ना पड़े, ठीक। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब देखिए, मोशन डिवाइसेज जैसे सेंसर हो गया, एक्चुएटर हो गया, मोटर हो गया, और ये कह लें सर्वो मोटर, ठीक। इसका क्या मतलब है कि आपका रोबोट बैठा हुआ, आप उसको चलाने के लिए कह रहे थे, आप सोए हुए हैं दूसरी तरफ और वो एक तरफ बैठा हुआ है। अब पता चला कि आप उसको जा करके बटन ऑन करें तो चले वो, तो कोई मतलब हुआ, तो रोबोट का को कोई मतलब है? आप उठ रहे हैं, रोबोट क्यों बनाए आप? अपने आप को आलस से आलसी के ओर बढ़ाने के लिए, यानी अपने कार्य दक्षता को कम करने के लिए और खुद को आलसी बनाने के लिए हम लोग रोबोट का निर्माण किए हैं ना। तो इसीलिए रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी क्या है, आपके आलस्य को बढ़ावा देता है ना। जितने भी चीज़ें जो ऑटोमेशन को हम लोग लाए हैं वो हमारे आलस्य को बढ़ाता है, ठीक। और दूसरी चीज़ ये भी है कि एक्यूरेसी, लेकिन हमारे आलस्य की दर भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक। सोए हुए हैं, सोचते हैं कि कोई चीज आ जाए यहाँ, तो वही रोबोट करेगा। आप क्या करेंगे, बोले कि खाना लेके आओ, अगर आपकी आवाज को सुन करके वो कैचअप करेगा और सेंसर उसमें से क्या करेगा, सेंसर अंदर जिस तरह प्रोग्राम फीड है उसको देगा तो चलना स्टार्ट करेगा और उठ करके फिर वो जाएगा, वो खाना लेकर के आप तक आएगा, ठीक। ये सब चीजें कैसे होंगे, सेंसर से, सेंसर आपकी आवाज को सेंस करेगा, सेंस करने के बाद मोशन कहाँ देगा, मोटर पे, मोटर फिर क्या करेगा, उसके हाथ पैरों को मोशन देगा, एक्चुएटर उसके हाथ पैरों को मोशन देगा, सर्वो मोटर या फिर जो पल्स फिट किए हैं उसकी सहायता से वो चलना स्टार्ट करेगा और चल करके फिर जा करके आपको खाना लाएगा वो, ठीक। तो मोशन देने के लिए सेंसर, एक्चुएटर और मोटर का प्रयोग किए, ठीक। अब ये तो फिट हो गया, ठीक। ये अब क्या करेंगे आप, ये चीज हो गया, अब क्या करेंगे, पावर देना चाह रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मोटर अपने आप चलेगा, मोटर चलेगा बैटरी से, तो आप उसमें बैटरी लगाएंगे, बैटरी को चार्ज करने के लिए उसमें चार्जिंग डिवाइस लगाए होंगे। सब लोग रोबोट पिक्चर देखे हैं ना, याद करिए वो सीन जब रजनीकांत गिर जाता है ट्रेन से और निकाल करके अपने आप को चार्ज करता है ना। तो इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जरूर देखिए, मूवी देखिए और कई चीज़ों को सीखते रहिए। जरूरी नहीं है कि मूवी देख रहे हैं तो फिर गलत है, गलत नहीं है, आप सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक, सीखते रहिए, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हैं। अब देखिए, हम ये कहें कि मोशन डिवाइसेस जितने भी हैं वो मोशन डिवाइसेस क्या करेंगे, उसको गतिशील करेंगे। गतिशील करने के बाद जो आगे आप बढ़ेंगे, अगला प्रोसेस जो आपका रहेगा वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का रहेगा, यानी कि आपके पावर फीडिंग डिवाइसेस, पावर फीडिंग, ठीक। बैटरी के द्वारा आप क्या किए, पावर को फीड कर दिए, आपका रोबोट क्या हुआ, तैयार हो गया। कह रहे सर तैयार हो गया, उनके हाँ तैयार हो गया। कहने के लिए क्या है, थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ने के लिए कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन जब बनाने जाएंगे, अब समझिए कि कहाँ कहाँ सर, कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन सी इंजीनियरिंग प्रयोग होगी। डिजाइन जब हम करेंगे, डिजाइन करते समय कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रयोग होगा। कंप्यूटर के थ्रू आप क्या करेंगे, डिजाइन को बनाएंगे, ठीक। पार्ट्स मेकिंग और असेंबल ये कहाँ होगा, ये होगा आपका मैकेनिकल विभाग में, ठीक, ये होगा मैकेनिकल विभाग में। पार्ट प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये मोशन डिवाइसेस भी किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। देखिए मोटर मैकेनिकल में भी आता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है, लेकिन सेंसर, एक्चुएटर ये सब बहुत ही आपके मतलब रेयर, रेयर का मतलब कम से कम गतियों को कंट्रोल करेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में है, ठीक। और फिर उसके बाद आपका आएगा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ठीक ना। तो इन सभी प्रकार के इंजीनियरिंग का प्रयोग करके हम उसको बनाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि सर जो रोबोटिक्स होता है वो हर एक प्रकार के इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैकेनिकल वाले क्यों इसको ज़्यादा पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले पढ़ रहे हैं बहुत दिन से इसको, रोबोटिक्स को, ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक। क्यों पढ़ते हैं ये भी समझिए। देखिए हम लोग आलस से बने, आलसी बने, आलसी बनने का मतलब कि अपनी कई चीज़ों को मशीन से कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम लोग अपने मैकेनिकल एनर्जी को, मानव द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, पहले ही बता चुके हैं, मानव जितनी भी कार्य को करता है वो सब यांत्रिक होता है, ठीक। हमारे मांसपेशियों द्वारा कार्य, हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं या फिर कहीं ले जा रहे हैं, किसी चीज़ को फेंक रहे हैं, सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आता है, ठीक। तो इसी तरह हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को कम कर, यानी कि अपनी शरीर की क्षमता को या फिर अपने यांत्रिक ऊर्जा को कम करने के लिए क्या किए, रोबोट का निर्माण किए। तो इसीलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ये आता है, ठीक। अब समझिए, अब नेक्स्ट टर्न पे आपको बताएंगे कि डिजाइन, पार्ट
पार्ट्स मेकिंग, पार्ट प्रोग्रामिंग, मोशन, ये सब कैसे होता है और इनके अंतर्गत क्या क्या आता है, आज आप रफली समझ गए कि सर हाँ ये होता है रोबोटिक्स के अंतर्गत, ये चीज़ें होती हैं, ठीक ना, आज इसको समझाए हुए हैं, ठीक। कल जो है आपको एक एक चीज़ें बताएंगे और समझा करके लिखवाएंगे, ठीक। चलिए आज का इंट्रो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक सब लोग घर पे रहिए, आराम करिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक। ऐसा नहीं कि बस लेक्चर सुन लिए काम ख़त्म हो गया, जो जो चीज़ें आपको लगें कि सर लिख लेनी चाहिए, हम तो देखिए नोट्स लिखाएंगे ही, हम पहले ही बोलेंगे सर नोट्स लिखाते चलेंगे, ऐसा नहीं कि नोट्स नहीं लिखाएंगे, लेकिन आप खुद से भी सोचिएगा कि सर कहीं अगर कोई पॉइंट मिस कर रहे हैं 12 मिनट 13 मिनट की वीडियो में, हमें लग रहा है कि ये चीज़ लिखनी चाहिए, तो आप उसको अपने से लिख लीजिए, ठीक। देखिए वीडियो से पढ़ाई का फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर आप उस फायदा का ले पाएंगे तब, ठीक, अगर आप फ़ायदे को नहीं ले पाएंगे तो आपके लिए वो कोई मतलब नहीं है, वीडियो देखेंगे फिर कल भूल जाएंगे और ऐसे ही रहेगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, तब मिलते हैं कल, तब तक के लिए सब लोग घर में रहिए और सेफ रहिए, धन्यवाद।